पटना में तोरा गोलघर घूमे बौ, गोलघर घूमे बौ गे गोलघर घूमे बौ। नाव चली रे, नाव चली, नाव चली, नाव चली रे, हिलडुल कर, हिलडुल कर, नाव चली रे। अगर इसको इसी तरह का माहौल मिले, थोड़ा सा चॉकलेट मिल जाए, थोड़ा सा जितेंद्र सर का प्यार मिल जाए, थोड़ा सा मेरा टिफिन का नाश्ता मिल जाए, 2:40 के बाद तो हमको ढूंढ के कहीं से लाएगा, घर में भी रहेंगे तो ये लोग पहुंच जाएगा। अच्छा, 2:40 के बाद तो आपका जो स्कूल का जो टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद भी आप इसके बाद अगर 4 भी बज जाए 5 भी बज जाए तो इसके साथ मैं रहूंगा बच्चों। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक बिहारी और मेरा अनुमान है कि आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल पेज प्रतीक बिहारी पे ही देख रहे होंगे। देखिए, कहते हैं कि जब स्कूल में बच्चों को भेजा जाता है तो बच्चे कई तरीके के बहाने करते हैं कि आज नहीं जाएंगे, कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की कि बच्चे ऐसा बहाना क्यों करते हैं? असल मायने में वजह तो यह है कि बच्चों का मन स्कूल में लगता ही नहीं है। लगे भी कैसे, वो ट्रेडिशनल वे फॉलो किया जाता है। बोर्ड पर शिक्षक आते हैं, लिख देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसे डंडे से पीटने का भी काम करते हैं, तो बच्चे जाएं क्यों? लेकिन आज एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने आए हैं जिन्होंने इन तमाम चीजों को एक अलग ही नजरिए से बदल के रख दिया। अभी हम लोग जमुई के कल्याणपुर में है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और यहां पर हमें जितेंद्र सर मिले। इनके पढ़ाने का जो अंदाज है उसे देखने के बाद आप अचंभित हो जाएंगे। जरा सर को देखिए, पसीने से तरबतर हो चुके हैं और जब से हम आए थे तो ऐसा कुछ नहीं किया हमारे सामने कुछ करने के लिए, बल्कि जब हम आए थे अचानक थोड़ी देर बाहर खड़े रहे तो देखने को मिला कि सर नाच गा रहे हैं और बच्चों को अपने अंदाज में पढ़ा रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना है, तो आइए आज आपको जितेंद्र सर से मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, जो इतना दूर से चल के समस्तीपुर से आ पाए ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आए। सर कैसे दिमाग में आया कि बच्चों को इस तरीके से, जबकि आप सरकारी विद्यालय के टीचर है, कोई प्राइवेट आपका खुद का स्कूल वगैरह भी नहीं है, तो कैसे दिमाग में आया कि इस अलग अंदाज में बच्चों को पढ़ाया जाए? जैसे है क्या, एक चीज मान लीजिए बाबू, तो है क्या, देखिएगा आप प्राइवेट स्कूल जब चले जाइएगा तो जो बच्चे होते हैं LKG नर्सरी के बच्चे जी, तो उसको पेरेंट्स लोग बड़ा प्यार से फूल जैसा ले जाता है। और जो प्ले स्कूल में रखता है वो भी अपना बहुत बढ़िया से ट्रीट करता है उसके साथ गाती है, उसको बहुत प्यार से पढ़ाता लिखाता है, बिल्कुल एकदम एक अच्छा माहौल देता है ना। तो जो मेरे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, भले वो 6th ईयर में आते हैं, लेकिन वो आते हैं तो फर्स्ट टाइम ही आते हैं, तो उसके लिए तो उतना ही वो चैलेंज है जितना कि प्ले स्कूल में जाने के लिए। बिल्कुल, तो जब ये फर्स्ट टाइम आएंगे, अगर इसको इसी तरह का माहौल मिले, थोड़ा सा चॉकलेट मिल जाए, थोड़ा सा जितेंद्र सर का प्यार मिल जाए, थोड़ा सा मेरा टिफिन का नाश्ता मिल जाए, इसको थोड़ा डांस हो जाए, कविता हो जाए, और यही कविता पढ़ाते पढ़ाते कैट रेट मैट ABCD कोखो जान जाए, तो उससे क्या मतलब, क्या उसमें प्रॉब्लम है? वो तो सारा चीज़ वो खेलते खेलते सीख जाता है और हमको भी अच्छा लगता है और बच्चा लोग सीख जाता है। कितने समय से आप ये तमाम चीज़ें बच्चों के बीच में कर रहे हैं? देखिए, ये 2007 से जी, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, कोई देखने वाला नहीं, मतलब ये चीज आपके अंदर कभी नहीं था कि भाई हमें फेमस होना है बस इसलिए करना? नहीं नहीं, फेमस तो वो सेकेंडरी मैटर है, जब आप अच्छा कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाएंगे, लोग देखना पसंद करेंगे, कि अच्छा क्या कर रहे हैं। हाँ। तो लोग को पसंद आया, एक गाना हम डाले थे चल के बुढ़िया डेगा डेगी, उसी समय से मेरा वो ये अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा आया, तो लगा चलो जब लोग पसंद किया तो इससे और अच्छा देते हैं। तो अब तो सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रही होंगी, आसपास के जितने भी स्कूल वाले लोग होंगे वो तो काफी अट्रैक्ट हो रहे होंगे आपकी? अट्रैक्ट हो रहे हैं और देख रहे हैं, एक दो को विद्यालय नगर परिषद में जी, जो मेरा कॉपी कर रहे हैं और फोन भी कर रहे हैं जी, और बहुत अच्छा लग रहा, महसूस हो रहा कि कुछ तो बदलाव आया आपकी वजह से समाज में, एक अच्छा बदलाव, हम तो अच्छे कर रहे हैं, बच्चे लोग बिना बोले, पेरेंट्स को बिना बोले घर आ रहे हैं। अभी 2:40 के बाद तो हमको ढूंढ के कहीं से लाएगा, घर में भी रहेंगे तो ये लोग पहुंच जाएगा। अच्छा, 2:40 के बाद तो आपका जो स्कूल का जो टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद भी आप इसके बाद अगर 4 भी बज जाए 5 भी बज जाए तो इसके साथ मैं रहूंगा बच्चे के साथ। बच्चे भागने के लिए, हम लोग जैसे हम लोगों का समय था तो बस्ता ले, जबकि प्राइवेट स्कूल से पढ़ के निकले फिर भी बस्ता लेके भागने की फिराक में रहते, 10 मिनट पहले ही निकलने की फिराक में, तो यहाँ भागते नहीं है ये लोग? ये लोग बच्चे ही बताएंगे, बच्चे ही बता पूछ लीजिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है। सबसे प्यारी बच्ची है बाबू, मन लगता है सर ऐसे पढ़ाते हैं तो? हाँ, मन लगता है। तो सर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो डांस वगैरह आप करती हैं? हाँ, कैसे, एक दो स्टेप करके दिखाइए, बिना म्यूजिक के करके दिखाइएगा। सर गाना भी तो आप गाते ही हैं। हाँ। आप अपने लहजे में गाइए और ये बच्ची डांस करके दिखाएगी। सर गाएंगे? चल
चल गए बुढ़िया डेगा डेगी, चल गए बुढ़िया डेगा डेगी, पटना में कीन दबो हवा गाड़ी, पटना में कीन दबो हवा गाड़ी, पटना में तोरा गोलघर घूमे बौ, गोलघर घूमे बौ गे गोलघर घूमे बौ, चिड़िया घर में जानवर देखे दर्शन कराए दबो पटन देवी, दर्शन कराए दबो पटन देवी, पटना में कीन दबो हवा गाड़ी, नाव चली नाव चली नाव चली रे, नाव चली नाव चली नाव चली रे, हिलडुल कर नाव चली रे, हिलडुल कर नाव चली रे, हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया हो हैया हो, आसमान में तारे हजार, आसमान में तारे हजार, हमको जाना है उस पार, हमको जाना है उस पार। वाकई मायने में मन खुश हो जाता है, इस तरीके की कोई चीज अगर देखने को मिलती है तो। सरकारी विद्यालय में लगता है कि कभी एक जमाना ऐसा था कि हम मांग कर रहे थे कि उन सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जहां पर पढ़ाई के नाम पे बस ढकोसला चलता है, लेकिन वाकई मायने में ये जो पढ़ाई है ये किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी और महंगे से महंगे विद्यालय में आपको नहीं मिल सकती है। सर एक चीज और बताइए कि सुनने में आ रहा था कि ये जो चित्रकरण हुआ यहाँ पर, तमाम चीजें जो भी हुई है सब आपने खुद से? सब टोटल इसमें जो एक कील तक लगा हुआ मेरा पैसा लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट द्वारा कोई फंडिंग वगैरह नहीं? अभी तक फंडिंग नहीं है और उम्मीद भी नहीं करते, बस अपना प्यार हम इस पे डाले हैं बस। किसी तरीके का आपका मांग भी नहीं है? कोई मांग नहीं, ये मेरा दिल से निकला हुआ चीज है जो कि वो खत्म होने वाला चीज है नहीं। पूरे बिहार को आप ये समर्पित करते हैं? एकदम समर्पित करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे खान सर पूरे लेवल पे जाने जाते हैं, है ना, एक स्टैंडर्ड लेवल में जाने जाते हैं तो पूरा। लेकिन मेरा यही एक सोच है कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं बस जितेंद्र सर के नाम से जाने। जितेंद्र सर कहें कि सर मुझे भी जितेंद्र सर की तरह पढ़ाइए, पढ़ा और उसी तरह हर स्कूल में मेरा नाम हो। एक गरीब स्कूल, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में जो आते गरीब बच्चे आते, तो उस गरीब बच्चे के दिल में हम जितेंद्र सर बसना चाहते हैं, यही उम्मीद है मेरा। यही उम्मीद है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और बच्चों से भी बात करेंगे, तमाम बच्चे हैं। बाबू क्या नाम है आपका? सीता कुमारी। पापा क्या करते हैं बाबू? पापा जी, पापा जो साड़ी सीता है ना, जहाँ मतलब थी सिला जाता है खराब, हाँ। वहीं पर चेक करते हैं। अच्छा, मतलब कि वहाँ पर काम करते हैं, वह सुपरवाइजर का काम करते हैं, उन सब चीज को चेक करते हैं बुनाई के काम में। आपका क्या नाम है बाबू? राजवीर कुमार। पापा क्या करते हैं? मार्बल पत्थर का काम करते हैं। मार्बल पत्थर का काम करते हैं। ये तमाम बच्चे हैं, आपको जितने भी बच्चे दिख रहे होंगे कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, और शायद अगर बड़े परिवार से होते तो ये बच्चे इस जगह पर तो शायद नहीं होते, किसी बड़े से प्राइवेट स्कूल में कॉरपोरेट लोगों के बच्चों की तरह बड़े से स्कूल में पढ़ रहे होते। और शायद इन बच्चों का दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है कि जितेंद्र सर जैसे शिक्षक इन्हें मिले। और सर मेरा सौभाग्य है, सेवा करने का मौका मिल रहा है इन बच्चों का, सेवा बस बहुत, ये मेरा दिल से है एकदम, सेवा करें, भगवान हमको शरीर सही सलामत ले, लोगों जीवन भर सेवा करें। अच्छा सर, इनका सौभाग्य नहीं मेरा सौभाग्य जी। सर एक चीज बताइए, इसका दुखहरण जी का कभी इस्तेमाल करना पड़ता है या नहीं? बाबू इसका इस्तेमाल तुम लोग पे करते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं बोलते हैं जो चीज बोलते हैं। अब मैं बता दूं किस लिए रखा हूं, आप थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाइए उधर जरा कैमरा आ जाइए। छोटा बच्चा जो होते हैं जी, जैसे छोटा बच्चा आरुषि आ जाओ बेटा, आ जाओ, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है और काफी अच्छा डांस करती है। इसको पढ़ा दो बेटा, ये इसको स्टिक पकड़ो जी, पढ़ा दो पकड़ के। ओ डब्लू का काम ने का बी यू डबल एफ ए एल ओ बे फेलो बे फेलो ने बाय जी ओ ए टी गोट बोट ने पकड़ी जी जी ओ डी ओ जी डब्लू डब्लू ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं इस्तेमाल के लिए ये रखा हूं कि बच्चा को झूम नहीं पाएगा तो ये स्टिक का सहारा लेंगे, स्टिक का सहारा जी, 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 पढ़ लेगा। जी पढ़ लेगा। अब बताइए सर कि वाकई मायने में जितेंद्र सर की तारीफ होनी चाहिए या फिर नहीं? एक और पार्ट में जितेंद्र सर की कहानी दिखाएंगे और इन बच्चों से भी मिलवाएंगे, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय।